हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है कि यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। और भी प्रश्न है, यदि संख्या x 3208 3 से विभाज्य है तो x का मान कितना हो सकता है। इसके लिए ऑप्शन दी गई है, हमें बताना है मेरे भाई। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसे प्रश्न में, बिल्कुल आसान वाला प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये सारे पार्ट प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर ग्यारह है दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न दी गई है क्या है, यदि संख्या x 3208 से विभाज्य है तो x का मान हो सकता है, इन ऑप्शन में से कौन से संख्या हो सकती है। मेरे बाबू, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि जितना भी, जैसे कि मान लो ये 3208 लिखा है ना, ये 3 से विभाजित होगा तब जब इस अंक को, इस संख्या को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य हो जाता है तो इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 8 है। इन सभी को, यानी कि जितना भी अंक है, इन सभी अंक को जोड़कर अगर 3 से कट जाता है तो ये नंबर भी 3 से कटेगा। तो जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 में 0 5, 5 और 8 13। क्या 13 3 से कटता है? जी नहीं कटता है, तो यह नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए मेरे बाबू यहीं पे देता है, 2 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 दिया है, क्या ये 3 से 2367 3 से कटेगा? 3 से कटने का विभाज्यता का नियम होता है, जितना भी नंबर है यानी सभी के सभी नंबर को, दुनिया के कितना हो, 12 से 12 या छोटा से छोटा नंबर दिया जाए, अगर वह नंबर में अंक का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। तो जोड़ो इसको, 2 + 3 + 6 + 7 जोड़ो, तो 3 2 5 6 11 11 7 कितना 18। क्या 18 3 से कटता है? हाँ बिल्कुल 3 से कटता है, तो यह नंबर भी 3 से कटेगा। तो यानी कि इनके अंक का, इनके जो अंकों है ना, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न में यही बोला है कि x 3208 3 से विभाज्य है तो x का मान बता दीजिए क्या होगा। मेरे बाबू, तो इसमें अंक का योग को हम जोड़ देंगे तो क्या है, तो x, उसके बाद प्लस क्या है, तो 32 है, उसके बाद 32 नहीं है, सिंगल डिजिट जोड़ना, x प्लस 3 और प्लस 2 और प्लस कितना 0 और प्लस कितना 8, यानी कि जितना भी अंक है इन सभी अंक अगर 3 से विभाज्य है, ठीक है, यह 3 से विभाज्य है मेरे बाबू, तो इनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो इनका अंकों के योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे x, इसको हम अब ऐड करेंगे तो मेरे बाबू कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 3 13, यानी कि x और प्लस कितना मेरे बाबू 13 हो जाएगा, x प्लस 13, 3 से विभाजित होने के लिए वह जो संख्या है x प्लस 13 आ गया। x की जगह पर कौन से नंबर रखा जा सकता है ताकि 3 से वो कट जाए? ठीक है मेरे बाबू, अगर हम अपने मन से x के जगह पर अगर हम 2 रख दें अपने मन से, तो 2 आ यहाँ पर 13 तो देवे किया, तो ये हो जाएगा 13 2 15। क्या यह 2 रखने से ये 15 3 से कट जाता है? बिल्कुल कटता है। अगर हम इसके जगह पर और भी नंबर रख सकते हैं, अगर मान लो यहीं पर हम 5 रख दें अपने मन से x के जगह पर, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। क्या 18 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। अगर इसी के जगह पे मेरे बाबू हम रख दे, जानते हैं कितना 8 रख दे और 13 तो इसमें दिया गया, तो 13 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनके 3208 है ना, x 3208 x के स्थान पर 2 भी रखा जा सकता है, 5 भी रखा जा सकता है, 8 भी रखा जा सकता है। 2 रखेंगे तो भी कट जाएगा 3 से, 5 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा। यानी इस x के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, 5 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा, 8 रखेंगे तो भी 3 से कटेगा। ठीक है, तो यानी कि
जैसे ही दो रखेंगे तो 15 हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी कट जाएगा, दो रखेंगे तो भी कट जाएगा तीन से, पांच रखेंगे तो भी कट जाएगा, आठ रखेंगे तो भी कट जाए, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया, दो दी गई है, नहीं, आठ दी गई है, नहीं, इसका मतलब पांच दिया गया, तो पांच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस एक्स के जगह पर हम पांच रखेंगे, यहाँ पर तीन दिया है, उसके बाद दो दिया है, उसके बाद जीरो दिया है, उसके बाद आठ दिया है, आठ और दो दस और तीन तीन, आठ और दो दस और तीन तेरह और पाँच अठारह, इसका मतलब अठारह नंबर जो है वो तीन से कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था मेरे बाबू, एक्स के जगह पर हम दो को भी रख सकते हैं, पाँच को भी रख सकते हैं, आठ को भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो पाँच और यानी कि दो पाँच और आठ किसी को भी रख सकते हैं, तो यह नंबर कट जाएगा। अगर दो रखेंगे तो भी कटेगा, पाँच रखेंगे तो भी कटेगा, आठ रखेंगे तो भी कटेगा, लेकिन हमारे ऑप्शन में पाँच दिया गया तो इस प्रश्न का राइट आंसर पाँच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं था इस प्रश्न में मेरे दोस्त, बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि दो नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है ध्यान से देखें, कहता है 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10, 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यानी कि 300 और 500 के बीच में बताना है जो 6, 8 और 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब विभाजित क्या मतलब, सबसे पहले तुम मेरे दोस्त 6 और 8 और 10 और 12 का तुम एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकाल लो यहाँ, तो एलसीएम निकालोगे तो कैसे निकालो, दो से कटा दो सबसे पहले, तो ई हो जाएगा दो तीन छः, दो चौका आठ हो जाएगा, आई पाँच हो जाएगा, ई हो जाएगा छः। फिर से तुम दो से कटाओ, तो दो से कटाओगे तो ई तीन रहेगा, दो दो नहीं चार, ई पाँच रहेगा, दो तीन छः। अब मेरे बाबू तीन से कटाओ तो तीन एकम तीन, ई दो रहेगा, ई रहेगा पाँच, तीन एकम तीन, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा मेरे बाबू, एलसीएम कितना होगा, तो दो दूनी चार, चार तीन बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस पचे कितना 120 आ गया, इसका क्या मेरे बाबू, तो एलसीएम आ गया 120, ठीक है। एलसीएम 120 आ गया, लेकिन 120 हमारा आंसर नहीं हो सकता है, हमें 300 और 500 के बीच चाहिए, 300 और 500 के बीच चाहिए मेरे बाबू। जो एलसीएम आ गया इसको तुम दो गुना करो, या फिर तीन गुना करो, या फिर चार गुना करो, या फिर पाँच गुना करो, जितना भी कर लो गुना, और सभी का सभी 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हमें 300 और 500 के बीच में चाहिए ना, तो मेरे बाबू 120 के बाद क्या आता है, 240 आता है, लेकिन 240 इसका अगर हम दोगुना कर दें, 120 का दोगुना कर देंगे तो 240 आ जाएगा, अगर इसको हम तीन गुना कर देंगे तो 360 आ जाएगा, अगर इसको हम चार गुना कर देंगे तो 480 आ जाएगा, अगर इसको हम पाँच गुना करें, पाँच गुना नहीं क्योंकि हमें 300 और 480 के बीच ही लेना है, ठीक है। तो यहीं पे ई हो गया दो गुना, ई हो गया तीन गुना, ई हो गया चार गुना, ठीक है। तो मेरे बाबू यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 200 जो यहाँ पर जो 240 है वो 300 के बीच में तो नहीं है, 300 के बीच में 360 और 480 है, यानी 300 और 500 के बीच में यहाँ पर 360 और 480 है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया मेरे बाबू, ऑप्शन में 360 दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर 360 हो जाएगा। हमारे ऑप्शन में अगर 480 देता तो 480 होता, कहने का मतलब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो 120 होगा, और उस एलसीएम का तुम कितना भी गुना कर लो मेरे बाबू, अगर तुम दो गुना करोगे वो भी नंबर कटेगा 6, 8, 10, 12 से, तीन गुना करोगे तो भी 6, 8, 10, 12 से कटेगा, चार गुना करोगे तो भी कटेगा, पांच गुना करोगे तो भी कटेगा, छह गुना कर, कितना भी गुना कर लो उसको कटना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला है 300 और 500 के बीच में, तो 300 और 500 के बीच में एक एलसीएम 360 है, दूसरा एलसीएम 480 है, तो हमारे पास 360 ऑप्शन में नहीं दिया है, 480 दिया है, तो इसका आंसर 480 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था मेरे बाबू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि तीन नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है ध्यान से देखेंगे, कहता है यह हमारा सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है, यानी कि इसका इसका मान निकालना है, क्या होगा, तो इसका मान हम निकालेंगे मेरे दोस्त बोडमास के नियम से, क्या है तो 3640 है और गुना 3640 भागा 14 और गुना 16 और प्लस 340 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे मेरे बाबू, देखेंगे जो 3640 लिखा है सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो ये भाग को हम गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा, बिल्कुल सही, उसके बाद गुना 16 हो जाएगा, बिल्कुल सही, आप बीच में प्लस है कितना तो 340, तो 340 रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम काट पीट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा बाबू, देखेंगे कैसे काटेंगे,
ध्यान से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसको दो से काटेंगे तो दो अठे कितना हो जाएगा तो सोलह, इसको दो से काटेंगे तो ई हो जाएगा सात। अब मेरे बाबू हम सात से काटेंगे, इस सात से इसको काटेंगे तो ये कटेगा सात पचे पैंतीस और सात दूनी चौवन, यानी कि 520 बार में कटेगा। ठीक है, ये कटा कितना तो 520 बार में। हमारे पास फाइनली क्या बचा, तो यहाँ बचा 520 बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 8 गुना में, आप प्लस में कितना तो 340 बचा। बस इसी को तुम सॉल्व करो, इसी के सॉल्व करो, आंसर निकल के चला आएगा। 520 को जब हम 8 से गुना करेंगे, माँ बाबू तो जानते हैं कितना आएगा हो, 520 को जब हम 8 से गुना करेंगे तो 4160 आ जाएगा। 4160 कितना तो 60 आ जाएगा, 4160 आ जाएगा, बीच में प्लस कितना तो 340, और 340 को हम ऐड करेंगे, जैसे ही 4160 में 340 को ऐड करेंगे मेरे बाबू ई आ जाएगा कितना तो 4500, 4500 इसका आंसर हो जाएगा। 4500 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, इसका मतलब आंसर हमारा चार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कुछ भी नहीं था। 3640 का भाग करना है 14 से, तो भाग को हम गुना में बदलेंगे तो 1/14 लिख सकते हैं, और गुना 16 प्लस 340, इसको काट पीट हमने किया तो कितना आया 540 गुना 8 प्लस 340 तो 520 गुना 8, 520 को 8 से गुना करेंगे तो 4160 आ जाएगा, प्लस 340 करेंगे तो इसका आंसर 45 आ जाएगा। 45 हमारा ऑप्शन नंबर चार में हो जाएगा सही, क्योंकि दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि चार नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, कहता है यदि 27 की पावर 20 और 27 की पावर 10 और बीच में भागा हो, कहने का मतलब 27 की पावर 20 भागा 27 की पावर 10 बराबर 3 के पावर k हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इनके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई। चलिए यहाँ पर एक आपको फार्मूला मैं बताता हूँ, एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि a^m आ भागा a^n जानते हैं क्या होता है बाबू, ये होता है a^m आ -n होता है। आप लोग जानते हैं a^m भागा a^n बराबर a^m -n फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको घातांक और कर्णी चैप्टर में आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए तो इसी प्रकार 27 की पावर 20 है तो 27 यहाँ पर 27 भी और 27 दोनों जगह सेम है, यानी कि ए के काम कर रहा है हमारा क्या, ए का काम कर रहा है मेरे बाबू 27। ठीक है, ए का काम कर रहा है 27। ठीक है, तो ए का काम कर रहा है 27। चलिए तो ए का काम 27 कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा a^m, तो यानी कि 27 की पावर जो 20 है और यहाँ पर 27 की पावर 10 है तो 27 की पावर 20 में से 27 की पावर 10 घट जाएगा, क्योंकि a^m भागा a^n बराबर a^m-n होता है फॉर्मूला, तो a^m-n हो गया, a की जगह पर 27, m के जगह पर 20, n के जगह पर 10। चलिए ये किसके बराबर दिया है मेरे बाबू, 3 के पावर k के बराबर दिया है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला स्टेप में। अब बताइए मेरे बाबू 27 के पावर जो 20 -10 है, क्या ये 27 के जो यहाँ पर 27 के पावर 20 में से 10 जाएगा तो ये 10 पहुँच जाएगा, बिल्कुल सही, आप बराबर में 3 के पावर तो k देवे किया है। अब बताएंगे मेरे बाबू इस 27 को मैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 3 गुना 3 और गुना फिर से कितना तो 3, और 3 के पावर 3 तीन बार हमने कूड़ेंगे तो 27 ही हो जाएगा, बिल्कुल सही, यानी जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, होता है ना, तो यहाँ पर हम उसी को लॉजिक को फॉलो किए, यहाँ पर 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और इसका होल पावर कितना दिया तो होल पावर 10 दिया है, और बराबर में 3 के पावर k तो देवे किया है पहले से। चलिए कलर को चेंज करने दीजिए, यहाँ पर कितना आ गया मेरे बाबू 3 के पावर 3, आप उसका भी पावर 10 आप बराबर में 3 के पावर 1, अब 3 के पावर 3 है तो क्या ये गुना हो जाएगा 3 के पावर 3 दहिया 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर 3 दहिया 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही, आप बराबर में कितना है तो बराबर में है 3 के पावर 3 के पावर क्या है मेरे बाबू तो बराबर में 3 के पावर यहाँ पर दिया है के दिया है ना 3 के पावर k। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, अगल बगल में लिखते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मेरे बाबू। ठीक है, यहाँ पर तो k दिया है, अब देखेंगे मेरे बाबू यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या किया गया, ध्यान से देखेंगे ये 3 के पावर जो 3 है और इसका भी पावर 10 है, हम सभी जानते हैं कि ए के पावर अगर एम हो और इसका पावर अगर एन हो तो ये आपस में गुना हो जाता है, ए के पावर एम और गुना कितना एन हो जाता है,
हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो इसी पे इसको पुट करना है, कुछ नहीं करना मेरे बाबू, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। यहाँ पर हम भी क्या कर देंगे, तीन के पावर जो तीन है इसको पावर 10 या 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। आप बराबर में 3 के पावर k हम लिख सकते हैं, सही बात है। आप देखेंगे मेरे बाबू, जब भी किसी इक्वेशन में, समीकरण में बेस समान हो तो पावर भी समान होती है, जब बेस दोनों बगल 3 है तो पावर भी आपस में समान होती है, जब बेस बराबर हो, बेस समान हो तो पावर भी समान होती है। तो नीचे भी 3 है, नीचे भी 3 है, बेस समान है तो पावर भी आपस में समान होंगे, ठीक है। तो यानी कि 30 बराबर की हो जाएगा, तो के का आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, 30 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। कुछ नहीं था इस प्रश्न, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 5 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है, ध्यान से देखें, कहता है 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बता दीजिए। ओहो, 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत बताना है। गुणकों का मतलब उसका गुणनफल, पहले का जो नंबर होगा वो हो जाएगा 9 आ गुना कितना तो 1, दूसरा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 आ कितना 2, इसी प्रकार डॉट 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 करते करते जाना है 20 तक, यानी कि 9 आ गुना कितना तो 20 तक हमें जाना है। चलिए यहाँ पर पहला हो जाएगा, यहाँ पर पहले का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 9 कम 9, इसके आगे हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, डॉट 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 करते जाएंगे ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा। इसका निकालना है औसत, यानी कि 9 18 उसी प्रकार करते करते 180 तक जाना है, ठीक है। और 180 तक जाने के बाद उनको सभी के जोड़ के सभी से भाग देंगे, जितना भी नंबर होगा उससे भाग देंगे, 20 गुणक है तो 20 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते मेरे बाबू, हम आपको ट्रिक बताते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, यानी कि अंतर इसमें 9 9 का होगा सब में, ठीक है, गुणज है, तो इसका एवरेज जानते हैं कैसे निकलेगा बाबू। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है मेरे बाबू 9 और लास्ट क्या है 180। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, 2 से भाग कर देंगे, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 189 इसका ऐड हो जाएगा, भागा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 4.5, यानी कि 94.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत 94.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला गुणक जो होगा 9 गुना 1 होगा, दूसर का 9 गुना 2 होगा, तीसर का 9 गुना 3 होगा, करते करते लास्ट वाला जो होगा वो 9 गुना 20 होगा, ठीक है। अब हम 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 से 2 में करेंगे तो 18 होगा, इसी प्रकार डॉट डॉट चलते जाएगा 180 तक, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है हमें, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे, तो फर्स्ट है 9 और लास्ट कितना है मेरे बाबू, लास्ट है हमारे पास 180। अब 180 में 9 को हम जोड़ेंगे तो 189 होगा, उसका आधा करेंगे तो 94.5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 6 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है मेरे बाबू, ओहो 6 नंबर प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनमें प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 10:13 हो जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा मेरे बाबू। कुछ नहीं करना है, जो अनुपात है वह कितना, तो 3 अनुपात कितना है तो बाबू 4 है, ये इस कंस्टेंट है, तो इसमें हम x से गुना दोनों में कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब प्रश्न कहता है, ध्यान से देखेंगे कि अगर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है, यानी कि प्लस का 3 इसमें भी कर देंगे हम और प्लस का 3 इसमें ही कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाता है कितना, तो 10:13 हो जाता है 13। बस यही इस प्रश्न का लॉजिक है मेरे दोस्त। कहने का मतलब कि 3:4 है तो 3x/4x, अगर 3 जोड़ दिया जाए प्रत्येक में तो 3:4 यानी कि 3x/4x हम मान लेंगे, उसमें प्लस 3 करेंगे तो बराबर में अनुपात में बदल जाता है कितना, तो 10:13 हो जाता है। अब इसको कैंचिया गुना यानी कि तिरछा तिरछी गुना करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे मेरे बाबू, ध्यान से देखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं तिरछा तिरछी, अगर हम 10 से इसमें गुना करेंगे इस वाले में और 13 से इस वाले में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 चौका कितना, तो 40x हो जाएगा, प्लस 10 3 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर करेंगे तो 13 3 ये कितना हो जाएगा, तो 13 3 39x हो जाएगा,
अब प्लस 13 यहाँ कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। चलिए इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे मेरे बाबू, तो ये हो जाएगा 40x 39x इधर आके घटेगा, जब 40x इधर है और उधर से 39x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा x आ बराबर, यहाँ पर 39 है 30 जाकर उधर माइनस होगा, यानी कि एक स्टेप चलो लिखिए देते ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40x तो पहले से देव किया है, ये 39x बराबर को उस साइड है तो उसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 39x हो जाएगा, बिल्कुल सही बराबर। यहाँ पर तो 39 पहले से देवे किया है, जो 30 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस 30 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसी को अब हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा निकल के चला आएगा। चलिए कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, इस 40x में से 39x घटेगा तो क्या बचेगा मेरे बाबू, x बचेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ पर 39 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 9 बचेगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू आ गया कितना, तो x का वैल्यू आ गया 9। चलिए तो हमें निकालना है वो संख्या बता दीजिए, तो एक संख्या क्या है, पहला संख्या है 3x और दूसरा का संख्या क्या है तो 4x है ना, तो 3x x के जगह पर 9 पुट करेंगे, 3 आ गुना x के जगह पर हम 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिरकी कितना तो 27, आ यहाँ पर पुट करेंगे हम 4 आ गुना x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे मेरे बाबू, x के जगह पर हम 9 पुट करेंगे तो 9 चौका हो जाएगा कितना तो 36, यानी कि 27 और 36 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे बाबू, 27 और हमारा 36 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न था, क्या था 3x/4x, तो अगर प्रत्येक में 3 को हमने जोड़ दिए तो 10/13 हो गया, अब हम करेंगे इसको कैंचिया गुना, तो 10 × 40x + 10 = 30x बराबर 13 × 39x + 13 = 39 हो जाएगा, तो 40x इधर प्लस का है, 39x उधर से जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 39 उधर था ही पहले से, जो 30 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो 40x में से 39x घटेगा तो x बचेगा, अब बराबर में 39 में से 30 घटेगा तो 9 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया मेरे बाबू, 9 आ गया, ठीक है। हमें निकालना है दोनों नंबर, तो पहला नंबर 3x है तो 3 गुना 9 कर देंगे तो 27 है, दूसरा का 4x है तो 4 गुना 9 x का वैल्यू रखते हैं, हमारा आंसर 27 और 36 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखेंगे हम, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है ध्यान से देखें, कहता है एक संख्या के 88% एवं उसी संख्या के 55% का अंतर जो है 1485 है, ठीक है, तो उसी संख्या के 45% कितना होगा हमें बताने, यानी कि एक संख्या है, मान लो वो संख्या क्या है तो x है, इसका 88%, ठीक है, 88% 88/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, माइनस उसी संख्या के 55%, यानी x का 55%, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर दिया गया मेरे बाबू जानते हैं कितना है, हो 1485 दी गई है, चलिए अच्छी बात है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर पाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर करेंगे क्या हम, यहाँ पर 88x/100 है, यहाँ पर 55x/100 है, तो यहाँ पर 88 में से हम 55 को घटा देंगे तो कितना बचेगा जानते हैं, यहाँ पर बचेगा 33/100, यानी x गुना 33%, x का 33% बचेगा, ठीक है, यानी x का बचेगा कितना तो मेरे बाबू 33% बचेगा, ठीक है, यहाँ पर जो x है इसका 33%, आ ये बराबर किसके हो गए तो 1485 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी को हम काट पीट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा, कैसे करेंगे मेरे बाबू ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर काटेंगे देखेंगे इस 11 से काटेंगे हम, ठीक है, तो 11 से जैसे ही काटेंगे तो 11 कितना हो जाएगा 33, इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 × 11 यहाँ से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 38, 11 × 33 हो जाएगा 11 × 55 135 हो जाएगा, फिर से इसको जब हम काटेंगे मेरे बाबू तो 3 से कट जाएगा कितना, तो 3 से कटेगा 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, यानी कि x/100 बराबर 45 है, तो x बराबर कितना होगा जानते हैं मेरे बाबू, वो 45 उधर तो था ही, आए जो उधर 100 भागा में इधर जाएगा तो गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरे बाबू, तो 4500 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया ध्यान से देखेंगे, हमारा जो आंसर निकल के चला है वो कितना आया 4500 आया है ना,
45 अब आ गया एक्स का वैल्यू, ठीक है, यानी वह संख्या 45 है, तो उसका 45 प्रतिशत निकाल दीजिए, क्या होगा मेरे बाबू, यानी कि 4500 का 45 प्रतिशत हमें निकालना है। चलिए तो इस 4500 का 45 प्रतिशत यानी 45 अब बटा कितना, तो 100। अब देखेंगे एक जीरो दो जीरो से दो जीरो खत्म, 45 आ गुना 45, बस 45 गुना 45 कितना होता है मेरे बाबू, 20-25 आंसर हो जाएगा। 45 गुना 45 हमारा होता है कितना, तो 20-25 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ठीक है, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हम 8 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर जो प्रश्न है कहता है 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो सालाना ब्याज की दर बताइए कितना होगा मेरे बाबू, सालाना ब्याज की दर SI बराबर फार्मूला हम सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, तो पी आ गुना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है मेरे बाबू हम सभी जानते हैं, पी आ गुना कितना, आर आ गुना कितना टी होता है, पी गुना आर अपन टी आ बटा कितना, तो 100 होता है, हम सब कोई इस फॉर्मूले को आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे बाबू, अब इसमें पुट करो, 27 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है, तो SI के जगह पे यहाँ पर 27 हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रिंसिपल कितना दिया है, तो 1080 मूलधन दिया है, रेट हमें निकालना है, चलिए अच्छी बात है, टाइम कितना है 3 महीना है, तो 3 आप बाटा में इसको 12 से भाग देंगे ताकि साल में बदल जाएगा, इसीलिए 3 महीना है तो 3 को 12 से भाग देंगे तो ईयर में बदल जाए, यानी कि वर्ष में बदल जाएगा। अब हम काट पीट करेंगे, 3 से हम काटेंगे इसको, यानी कि इसको रहने दो पहले, यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, बिल्कुल सही। उसके बाद मेरे बाबू यहाँ पर 3 एकम 3 आई कटेगा, 3 चौका 12, ठीक है, 1/4, बिल्कुल सही। अब देखेंगे हम इस 4 से मेरे बाबू, इस 4 से इसको हम काटेंगे, तो 4 2 8 यहाँ से 2 जाएगा, 4 7 28, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बाबू, 27 आ गया। इसको जैसे ही हमने काटेंगे तो 27 हो गया, तो इसका जानते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखेंगे मेरे बाबू, इधर जो 27 है आ इधर जो 10 है, ये 10 इधर गुना में चला जाएगा, आ बराबर कितना बचेगा, इधर बच जाएगा 27 और कितना, तो आर बच जाएगा। चलिए यानी कि 10 जो इधर भागा में है इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यहाँ पर 27 आर तो देवे किया है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे मेरे बाबू, देखेंगे यहाँ पर इस 27 से इस 27 कट जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना बच गया मेरे बाबू, आर बराबर 10, यानी कि 10% इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला प्रश्न था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 9 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है ध्यान से देखें, कहता है एक आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा करेंगे मेरे बाबू। आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा कि एक फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर फॉर्मूला होता है M2 और क्या D2 के फॉर्मूला, ये होता है, आप लोग अच्छे से इसको जानते होंगे, समझते होंगे, पढ़ते होंगे। चलिए तो यहाँ पर करेंगे 9 आदमी एक काम को 16 दिन में, तो M बराबर मैन और D बराबर कितना होता है, तो दिन होता है, ठीक है, M बराबर मैन, दिन बराबर दिन, D बराबर दिन, तो 9 आदमी है, तो 9 M के जगह पर 9, M1 के जगह पर 9, 16 दिन में, तो D1 के जगह पर हो जाएगा 16 बराबर M2, तो कितने आदमी, M2 हमें निकालना है मेरे बाबू, यानी कि M2 हमें निकालना है गुना D2 के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि M1D1 बराबर M2D2। अब इसी को काट पीट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा भाई, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे, ये 9 आ गुना इधर 16 तो देवे किया है, जो उधर 24 गुना में है इधर आ जाएगा भागा में, आ बराबर में हो जाएगा क्या, तो M2 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अब इसी को हम काट पीट करेंगे, काटेंगे ध्यान से देखेंगे हम इसको, सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 3 की 9, इसको 3 से काटेंगे तो 3 8 24, बिल्कुल सही। अब इसको हम काटेंगे मेरे बाबू, तो ध्यान से देखेंगे, ये 8 से ही 16 कट जाएगा दो बार में, 8 2 16, तो हमारा जो M2 है वो कितना आ जाएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा, तो 3 आ गुना बच जाएगा 2 आ बराबर
एम टू, तो ये हो जाएगा 3 × 6 बराबर एम टू, यानी कि एम टू की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि 6 दिन में वो 24 दिन 6 आदमी 24 दिन में कर सकता है पूरा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था, 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने आदमी उसको 24 दिन में पूरा करेगा मेरे बाबू? हम फॉर्मूला जानते हैं एम वन डी वन बराबर एम टू डी टू होता है, तो एम वन के जगह पर 9 है और डी वन के जगह पर 16 है, एम टू के जगह पर नहीं दिया है और डी टू के जगह पर दिया है 24। अब 9 × 16 इधर रहेगा, जो 24 उधर गुना में है इधर आएगा तो भाग करेगा, तो 9 × 16/24 बराबर एम टू। अब हम काट पीट करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, 8 × 24 8 से 16 कटेगा दो बार में, तो यहाँ पर बचेगा 3 × 2 यानी कि 3 × 2 = 6, यानी कि यहाँ पर कितना हमारा 6 आदमी मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था मेरे बाबू, यहाँ तक प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 10 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है ध्यान से देखिए, कहता है एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी गति प्रति किलोमीटर घंटे में बता दीजिए। ओहो, यानी कि एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसकी गति बता दीजिए क्या होगी। मेरे बाबू चाल बराबर फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी, और दूरी आ बाटा कितना तो समय, दूरी बाटा होता है समय, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बाटा समय। तो चाल को हम स्पीड लिखते हैं, एस से लिख रहे हैं। चलिए दूरी कितनी दी गई है, तो 2 किलोमीटर दी गई है 8 मिनट में, 8 है मिनट में तो 8 बाटा, इसको 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा, बिल्कुल सही। 8 मिनट को हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए, ठीक है, यानी कि 8 मिनट को हम घंटा में बदल दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 तो रहेगा तो ये हो जाएगा अब 60/8, इसको भाग करेंगे जैसे ही तो 60 बाटा में हो जाएगा 8, बिल्कुल सही। अब इसी को हम काट पीट करेंगे मेरे बाबू, 2 से 1 कटेगा 4 बार में, और 4 से 1 कटेगा 15 बार में, यानी कि इसका जो स्पीड है मेरे बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो 8 मिनट दी गई थी मेरे बाबू, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना था, इसीलिए हमने इसको घंटा में चेंज किया। तो 8 को हमने घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 60 से जैसे ही भाग हमने किया तो उस 2 को हमने 8/60 से भाग करेंगे तो 2 आज जो 8/60 है एक गुना में बदलेगा तो 60/8 हो जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के चला गया कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।